शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र के धुले जिले में कार में मिले धारदार हथियारों का जखीरा। आपको बता दें कि 89 तलवार और एक खंजर बरामद हुआ है। चित्तौड़गढ़ से जालना भेजी जा रही थी ये खेप। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के धुले जिले में कार में धारदार हथियारों का जखीरा बरामद किया है। 89 तलवार और एक खंजर यहां से बरामद हुआ। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ के जालना ये खेप भेजी जा रही थी। इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के धुले जिले से कार में धारदार हथियार का जखीरा महाराष्ट्र के धुले में बरामद हुआ है। 89 तलवार और एक खंजर एक कार के अंदर से बरामद किया गया है। चित्तौड़गढ़ के जालना ये पूरी खेप भेजी जा रही थी। आपको बता दें कि 89 तलवार और एक खंजर इस गाड़ी से बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र के धुले जिले में ये कार मिली जहां पर 89 तलवार और एक खंजर इस कार में से बरामद किए गए। चित्तौड़गढ़ से जालना ये खेप भेजी जा रही थी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त महाराष्ट्र के धुले जिले में कार से धारदार हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस को यहां से 89 तलवार और एक खंजर मिला है। आपको बता दें कि इस गाड़ी में 89 तलवार और एक खंजर चित्तौड़गढ़ से जालना ये खेप भेजी जा रही थी, जिसको पुलिस के हत्थे लग गई जो खेप। और बड़ा खुलासा यहां पर हुआ, महाराष्ट्र के धुले जिले में ये कार मिली है, इस कार में धारदार हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी, पुलिस को 89 तलवार और एक खंजर बरामद किया गया है गाड़ी के अंदर से। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ से जालना ये खेप भेजी जा रही थी।